हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जैसा कि दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रेन में सीट खाली है या नहीं, कैसे पता करें अपने मोबाइल से। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलते, ज़्यादा समय न देते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ट्रेन में सीट खाली है या नहीं पता करने के लिए सिंपल सा गाइस, अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप कर लेना है कन्फर्म टिकट ऐप। टाइप करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर इंस्टॉलिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। जैसा कि गाइस, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलिंग कर लिया हूँ, अभी तक आपने नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टॉलिंग कर दीजिए। इंस्टॉलिंग करने के बाद दोस्तों, आपको बिल्कुल बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, आपके मोबाइल में कंफर्म टिकट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो गाइस, अभी तक आपने IRCTC का ID नहीं बनाया तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वो वीडियो देख कर IRCTC का ID बना लीजिए। तो सिंपल सा गाइस, कंफर्म टिकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो वेट करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको जहां से जाना है वहां का नाम यहां पर आपको टाइप का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहां पर टाइप कर लेना है। तो टाइप करने के बाद दोस्तों, यहां पर फिर जाके दोस्तों, जहां पर आपको उतरना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको टाइप कर लेना है, नहीं तो नीचे भी ऑप्शन मिलता है दोस्तों। तो मेरे को पनवेल जाना है महाराष्ट्र, तो यहाँ पर आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है कि कब जाना है, किस डेट को जाना है। तो कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है, तो जिस डेट पे जाना है उस डेट पे क्लिक कर देना है। तो मेरे को 24 मई को जाना है, मंडे को। तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर सारे ट्रेन आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस ट्रेन में आपको जाना है उस ट्रेन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, मंडे 24 मई को 22 सीट खाली है, जिसका दाम 665 रुपया है। और देखिए दोस्तों, आपको ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए, ये सैटरडे 29 मई को 2 वेटिंग है, जिसका दाम 665 रुपया है। और कोई भी ट्रेन में जाना है तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ देखिए गाड़ी संख्या, ये गोल्डन टेम्पल स्पेशल, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, गाड़ी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, 24 मई को 2 सीट खाली है, जिसका दाम 220 रुपया है। और गाड़ी संख्या ये है दोस्तों, गोल्डन टेम्पल। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है ट्यूजडे 25 मई को 15 वेटिंग है, जिसका दाम 620 रुपया है। तो उम्मीद करते दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि सीट खाली है या नहीं, कैसे ट्रेन में पता करें, आपको पता चल गया होगा कि कैसे पता करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।